जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम योगेश्वर कहार फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ। टुडे वी स्टार्ट 12th क्लास केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। यू ऑलरेडी मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडी इन क्लास प्रीवियस क्लासेस 11th लाइक दैट। फर्स्ट वी अंडरस्टूड डेफिनेशंस। सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो। नाउ दैट यू नो दैट वी ऑलरेडी वी टेक वन बीकर विथ 100 ml H2O एंड एड सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6। नाउ बोथ मिक्स टू इच अदर एंड फॉर्म सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन एंड मिक्सचर टू डिफरेंट वर्ड्स। मिक्सचर इट मीन्स डिफरेंट कंपोजिशन मिक्स टू इच अदर एंड हैव पर्टिकुलर आइडेंटिटी। बट इन सॉल्यूशन टू आर मोर देन टू कंपोनेंट मिक्स टू इच अदर इन फिक्स्ड क्वांटिटी इन फिक्स्ड रेशियो, सो इट्स फॉर्म सॉल्यूशन। आफ्टर मेक ए सॉल्यूशन डिफरेंट कंपोनेंट डिसॉल्व या फिर रिमूव इट्स आइडेंटिटी। जैसे लाइक दैट वॉटर, अगर आपने वाटर को ग्लूकोज के अंदर डाला तो दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा कि आपको न्यू सॉल्यूशन में बनेगा। ठीक है, अब न्यू सॉल्यूशंस में क्या होगा, ग्लूकोज वाटर। ओके, ग्लूकोज इज डिफरेंट, वाटर इज डिफरेंट, बट न्यू सॉल्यूशन इज कॉल्ड ग्लूकोज वाटर। डन। देन सेकेंड थिंग इज सॉल्यूशन। वी ऑलरेडी क्लियर, ए सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मीन आइडेंटिकल, एक डिफरेंट आइडेंटिटी वहां पर होगी उसकी। देन ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट प्रेजेंट है यहाँ पर, आप देख सकते हो टू कंपोनेंट डिफरेंट लिए हम लोगों ने। नॉर्मली जिसके इसमें टू कंपोनेंट है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, सपोज ये मेरे पास 20 grams है। ओके, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो इसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम इसे सॉल्वेंट बोलेंगे। और जिसकी क्वांटिटी लेस देन है उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। देन तो टू कंपोनेंट आपको यूज करना है, इट मीन सॉल्यूशन जो है वो टू कंपोनेंट से बना हुआ है। फर्स्ट इज सॉल्यूट, सेकेंड इज सॉल्वेंट। ऑलवेज इन फुल चैप्टर वी यूज सॉल्वेंट फॉर ए वन एंड बी फॉर सॉल्यूट इन होल चैप्टर्स। ओके, नाउ वी मूव इन अवर नेक्स्ट स्लाइड। ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, नाउ इट्स अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इफ योर सॉल्यूशन कंटेन ओनली टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, थ्री कंपोनेंट इज टर्शियरी, लाइक दैट फोर क्वार्टनरी एंड एक्सेट्रा। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ऑलरेडी आई सेड लाइक दैट, है ना, वॉटर इज प्रेजेंट 100 ml, इट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। हियर ऑल्सो मेंशन, है ना, क्वांटिटी इज कॉल्ड, सॉरी लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट विच इज क्वांटिटी इज कॉल्ड, सॉरी यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पर लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। इफ बोथ कंपोनेंट आर इन द फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट। देन वन मोर एग्जाम्पल आई हैव लाइक दैट हियर, यू ऑलरेडी अंडरस्टूड वेरी वेल। हियर ब्लू कलर पार्ट, है ना, इज मोर देन कंपेरिजन टू रेड पार्ट। ठीक, इट मीन्स ब्लू पार्ट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, देन रेड पार्ट इज कॉल्ड सॉल्यूट बिकॉज इज लेस्ट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। देन वी मूव इन नेक्स्ट वर्ड, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर, इन दिस चैप्टर वी स्टडी ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस विच कंटेन ओनली टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हियर इज कंपोनेंट मे बी सॉलिड, लिक्विड और इन गैस स्टेट लाइक दैट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वी हैव, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसेस सॉल्यूशन। आपने अभी तक सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन ही अंडरस्टूड कर रहे हो आप। अभी जैसे ही मैंने सॉल्यूशन वर्ड यूज किया है तो आप क्या अंडरस्टूड हो रहे हैं कि हमने सॉलिड लिया है, वाटर है, उसमें डिजोल्व कर दिया तो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है। बट सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है लाइक दैट डस्टर। इस डस्टर आल्सो इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन बिकॉज ये जो गद्दी वाला एरिया है ये डिफरेंट सॉलिड है, वुड है ये डिफरेंट सॉलिड है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक परफेक्ट सॉल्यूशंस बना रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस। आप देख सकते हो यहाँ पे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक, इसके बेस्ट एग्जांपल है ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील।
आप स्टील का यूज करते हो, आपने गोल्ड का यूज किया, गोल्ड प्योर नहीं होता है, 22 कैरेट्स गोल्ड में कॉपर मिलाते हैं, तो इट्स आल्सो वन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस। इट्स टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशंस बिकॉज मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पर किसकी प्रेजेंट होगी, सॉलिड की प्रेजेंट होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। देन सेकेंड एग्जाम्पल है लिक्विड डिजोल्व्ड इन सॉलिड, तो किसका एग्जांपल है, डेंटल अमलगम। अमलगम का मीन्स यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि मर्करी प्रेजेंट होगी, क्लियर, डेंटल्स में यूज होता है। देन गैस डिजोल्व्ड इन सॉलिड हाइड्रोजन इन पैलेडियम, वी ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 11th हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन दिस ईयर ऑल्सो वी स्टडी इन थर्ड चैप्टर। देन सेकेंड, यू ऑलरेडी वेरी नो अबाउट लिक्विड सॉल्यूशंस लाइक दैट, वी ऑलरेडी गिव वन एग्जाम्पल, ग्लूकोज डिजोल्व इन वॉटर, तो ग्लूकोज सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड प्रेजेंट, वॉटर इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। सिक अगेन एग्जाम्पल, सुगर इन वॉटर एंड सी वॉटर्स ऑल्सो, है ना। देन सेकेंड इज लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड का, एल्कोहल इन वॉटर यू ऑलरेडी नो, विनेगर, विनेगर यू ऑलरेडी नो, एसिटिक एसिड CH3COOH डिजोल्व इन वॉटर। देन नेक्स्ट इज गैस डिजोल्व इन लिक्विड, यू ऑलरेडी नो अबाउट सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स का जैसे आप कैप रिमूव करते हो तो क्या होता है, एक प्रेशर के साथ गैस रिमूव होती है, ये एक हेनरी कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का मोस्ट टाइम टॉपिक है, हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि हम हाई प्रेशर पे गैस को क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हेनरी कॉन्स्टेंट, तो वो किसके अंदर आ जाएगा आपका, गैस डिजोल्व इन लिक्विड। देन नेक्स्ट इज गैसेस सॉल्यूशंस, क्लियर, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गैसेस सॉल्यूशंस है, गैसेस सॉल्यूशंस में क्या होगा, सॉलिड डिजोल्व इन गैस, कैसे, कैंपर इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने देखा, अगर कैंपर को आप हाथ में रखोगे कुछ मिनट्स के बाद में वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, इट मीन्स वो क्या होता है, वेपराइज्ड हो जाता है, इसलिए हमने एग्जांपल दिया है आपने नेफ्थलीन इन एयर्स। देन नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस, परफ्यूम्स आप सारे यूज करते हो, ठीक है, परफ्यूम्स में क्या होता है कि लिक्विड जो आपके होते हैं फ्रेगमेंट्स, लिक्विड फ्रेगमेंट्स को हम गैस में डिजोल्व करते हैं, देन उसके बाद आपका क्या बनता है, परफ्यूम बनता है। देन नेक्स्ट इज गैस इन गैस, तो एयर में बहुत सारी गैस रिमूव प्रेजेंट है, जैसे जस्ट मैं अभी रेस्पिरेशन ले रहा हूँ, तो क्या करा कि एयर बहुत सारी, उस एयर में क्या प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन थी, जिसमें रेस्पिरेशन के थ्रू मैंने क्या करा, उसे इनहेल किया, देन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया, क्लियर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गैस इन गैस, ये भी एक टाइप का आपका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसेस सॉल्यूशन, ओके। देन एवरी जो टाइप्स है वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, थ्री टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन है तो आपको मेमोराइज रखना है कि सॉल्वेंट क्या होगा, इसमें सॉलिड है। देन लिक्विड सॉल्यूशन है तो आपको क्या मेमोराइज करना है कि सॉल्वेंट क्या, लिक्विड है। देन गैसेस है तो आपको सॉल्वेंट क्या इनमें प्रेजेंट होगा, गैसेस में, और आपका जो सॉल्यूट है वो तीनों फेज में चेंजेस होता रहेगा। डन, चलिए नेक्स्ट है नॉर्मली अब हम जो सॉल्यूशन है उसको टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली में हमने लास्ट ईयर प्रीवियस लेबोरेटरी में देखा था दो टाइप के सॉल्यूशंस प्रेजेंट थे हमारे पास, ठीक है, वन इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होगा, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, क्या एग्जाम्पल है कि 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ml वाटर, तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी क्या वेरी लेस देन है, तो यहाँ पे जब सॉल्यूट की क्वांटिटी लेस होगी तो हम डाइल्यूट वर्ड यूज करेंगे, क्लियर। देन अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने वॉटर ले लिया है आपका 50%, क्लियर। देन यहाँ पर जो भी आपका ग्लूकोज था C6H12O6, ये भी ले लिया मैंने 50 ग्राम, ठीक है, ये 50 ml, तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली से क्या है, मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो टू वर्ड आपको याद रखना है, डेफिनेशन से हम देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। क्वालिटेटिवली इट कैन बी डिस्क्राइब बाई यूजिंग द वर्ड डाइल्यूट फॉर सॉल्यूशन हैविंग वेरी लेस क्वांटिटी, ऑलरेडी यू नो दैट। देन अगेन वन मोर वर्ड कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर सॉल्यूशन हैविंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कि सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी होगी तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड यूज करना है, और सॉल्यूट की मिनिमम क्वांटिटी है तो आपको डाइल्यूट वर्ड यूज करना है। देन नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत सारे इसके
टाइप्स हैं कि अभी आपको मैंने बोला कि हम दो टाइप्स से इसको क्लासिफाइड करेंगे, क्वालिटेटिवली जिसमें डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज किया हमने, क्वांटिटी क्वांटिटेटिवली में हमारे पास ये सारी डेफिनेशन है। आज हमारे सारे जो टॉपिक्स है वो सारे इन्हीं को कवर करना है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शंस, मोलरिटी, मोलेलिटी एंड नॉर्मलिटी। मोस्ट टाइम के टॉपिक्स है, हमने 11th में भी इसमें कुछ 4 या 5 टॉपिक्स को हमने स्टडी कर रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज। आपको डेफिनेशन एंड फॉर्मूले याद करना है, इसके बेसिस पे हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर थिंग हमने आपको पहले क्लियर किया था कि आपका जो सॉल्यूशन है वो 2 components से प्रिपेयर्ड। हम पूरे चैप्टर में ओनली 2 components बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट्स डिनोटेड बाय ए एंड सॉल्यूट डिनोटेड बाय बी। क्लियर, होल चैप्टर्स है ना, ए एंड बी याद रखिएगा। चल फर्स्ट डेफिनेशन, मास परसेंटेज, ठीक है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, बिकॉज दोनों क्या है, सॉलिड है, सॉलिड को हम ग्राम में वेट करेंगे इसलिए डब्ल्यू वर्ड यूज किया है। नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी। कि डेफिनेशन याद करने से ज्यादा बेस्ट है इसका फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद होगा हम लोगों को, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, जब भी हम जिसका भी मास परसेंटेज निकालेंगे उसे आपको ऊपर रखना है, टॉप पर। देखो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, अब मास की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने W वर्ड यूज किया है, ठीक है। अब B वर्ड यूज क्यों किया है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्लियर किया था कि आपका जो सॉल्यूट है उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, B से यूज करेंगे, तो यहाँ पे B है, तो इसका मीनिंग आपको क्या अंडरस्टूड करना है कि वहां पे सॉल्यूट के वेट की बात कर रहे हैं। अगर सॉल्वेंट की वेट की बात करेंगे तो हम कैसे डिनोट करेंगे उसको, WA से। क्लियर, चल देन अगेन हम हमारे फॉर्मूले पे आते हैं। देन फॉर्मूले में क्या यूज किया उसने, 100। क्लियर, क्योंकि वो हमें क्या निकालना है, इसमें परसेंटेज निकालना है, इसीलिए हमने इसे क्या करा है, 100 से मल्टीप्लाई किया। और जब भी हम नीचे यहाँ पे बॉटम की बात करेंगे, बॉटम पे हमेशा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम निकालना है हमें, तो क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। क्लियर, अगेन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन पहले से कर दिया कि WB इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, WA मास ऑफ सॉल्वेंट। आपको ऑलवेज जब भी डेफिनेशन लिखनी है तो आपको इतना तो देना ही होगा। क्लियर, अब इसका यूज किया है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, है ना। दिस यूनिट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन, हम इंडस्ट्रियल लेवल्स में इनका यूज करेंगे। कमर्शियली ब्लीचिंग सॉल्यूशंस कंटेनिंग 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो होता है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं आपको ये बताया गया एग्जांपल्स में। चलिए एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं मास परसेंटेज के ऊपर। नॉर्मली एग्जाम में बहुत बार पूछा है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है इसे, है ना। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन, थोड़ा सा मिस्टेक है वहां पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इज 22 grams ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 20 grams ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। चल देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या क्या गिवन है हम लोगों को, जो जो गिवन है आप उसे पहले तो लिख दीजिए, ठीक है। गिवन के अंदर क्या क्या गिवन है हम लोगों को, फर्स्ट इज बेंजीन, ठीक है। तो आप बेंजीन को फॉर्मूला लिखते हुए चलते हैं, ज्यादा बेस्ट है, C6H12 कितने ग्राम दिया गया हमें, 22 grams। देन कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्मूला है CCl4, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले क्यों लिखे हैं ये भी आपको क्लियर करूंगा। देन 122 grams, क्लियर। तो टोटल सॉल्यूशंस क्या होगा हमारे पास, ठीक है, टोटल सॉल्यूशन अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल सॉल्यूशंस आ जाएगा आपके पास, ठीक, कितना आ रहा है, 144 grams, ये टोटल सॉल्यूशंस आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट। देन यहाँ पे क्या, मास ऑफ सॉल्यूशंस, तो मास ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास ही आ गया, टोटल सॉल्यूशन, ये मास की बात कर रहा है, टोटल सॉल्यूशन 144, क्लियर। तो अब हम नॉर्मली मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हम एक और बार लिख लेते हैं, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या बोला है, मास ऑफ सॉल्यूट, कितना है मास ऑफ सॉल्यूट, 22 grams, डन। और टोटल नीचे क्या बोला है उसने, अगेन मास ऑफ सॉल्यूशंस, तो मास ऑफ सॉल्यूशंस कितना आया हमारे पास, 144 grams, ठीक है, डन।
देन क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। आप इसे सोल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसे सोल्व मैं नहीं करूंगा, आपको सेल्फ करना है। ठीक, थोड़ा सा वर्क आप करिए, थोड़ा सा वर्क हम करें, तो हमारी स्टडी सबसे बेस्ट होगी। चलिए नेक्स्ट इज, नेक्स्ट डेफिनेशन है वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, जैसे हमने मास परसेंटेज W ओपन W की बात करी है, यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम इट मीन इस यूनिट का यूज कब करोगे, जब आपके पास सोल्यूट और सोलवेंट बोथ आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, वी यूज वॉल्यूम परसेंटेज। अगेन सेम डेफिनेशन आप देख सकते हो, याद करना इजी होगा। द नंबर ऑफ पार्ट बाय वॉल्यूम, पहले हमने बाय मास की बात करी थी, और सोल्यूट पर 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहां हमने पहले मास लिखा था, वहीं पे जस्ट हमने क्या करा है, वॉल्यूम से शो किया है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, अगेन सेम, ऊपर हम वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसलिए हमने ऊपर वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिखा है। देन सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वी ए वी बी, ए एंड बी का मीनिंग आपको ऑलरेडी क्लियर है। देन यहाँ पे 100 आएगा, फिर आई बाई मिस्टेक प्रिंट हो चुका है वहां पर। अगेन वी बी इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वी ए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। क्लियर, इसका फॉर एग्जाम्पल नहीं लिया है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड का, एज इट इज आप एनसीईआरटी से इसको सोल्व करना है। क्लियर, चल नेक्स्ट है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हमारे पास अब ऐसे भी क्वांटिटी आएगी कि सोलिड को लिक्विड में डिसोल्व किया, सोलिड सोल्यूट है तो उसे वेट लेना पड़ेगा डब्ल्यू। अब लिक्विड, लिक्विड स्टेट में, वाटर लिक्विड स्टेट में, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वॉल्यूम वर्ड यूज करना होगा। डन, तब आपको यहाँ पे ये वाली यूनिट्स यूज करना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, नॉर्मली हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन हम यहाँ पर ये वाली यूनिट यूज करेंगे। द नंबर ऑफ पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर, तो यहाँ पर हम इस यूनिट का यूज करेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। अगेन सोल्यूट टॉप पे आएगा, टोटल सॉल्यूशंस का आएगा बॉटम में, एंड परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेल्फ फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करिए, ठीक है, सारे फॉर्मूले सेम होते हैं, किसी का भी न्यू फॉर्मूला अगर क्रिएट करना है जिससे हमें परसेंटेज निकालना है जिसका, उसे हम क्या करेंगे टॉप पे रखेंगे, और टोटल को क्या करेंगे हम बॉटम पे, और 100 से क्या करेंगे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। डन, देन मेडिसिन एंड फार्मेसी में इस यूनिट्स का यूज होता है। क्लियर, देन वर मोस्ट आईएमपी, अगेन यूनिट्स है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मली इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, सपोज आपके यहाँ पे समुद्र है, हमने सी ले लिया, सी के अंदर आपने थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दिया। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको क्या, नहीं कर सकते, बट आपको साइंटिफिक तरीके से उसे कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे हम पूरे सी को क्या करेंगे 1 मिलियन पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन उसके 1 पार्ट में क्या करेंगे हम ग्लूकोज की क्वांटिटी क्या कैलकुलेशंस करेंगे, देन उसे क्या करेंगे 10^6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, इसका यूज आप कब करोगे, जब सोल्यूट की क्वांटिटी वेरी वेरी ट्रेस क्वांटिटी में हो, लिटिल बिट हो, देन इसका यूज करेंगे हम लोग पीपीएम ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट टॉप पे होगा, देन टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, बिकॉज उसमें मैक्सिमम कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, ऑफ द सॉल्यूशन, वो कहा जाएगा बॉटम में, एंड 1 मिलियन हम इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 10^6 से, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर होगा। अब इस यूनिट का यूज कहाँ करते हैं ये भी आपको बताया। नॉर्मली जो हमारे घर पे वॉटर आता है, ठीक है, जिसे नॉर्मली नगर पालिका वगैरह जो सप्लाई करती है हमारे पास, पब्लिक वाटर सप्लायर्स जो होते हैं, उसमें क्लोरीन की भी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उस क्लोरीन की क्वांटिटी को हम काई में डिनोट करते हैं ppm में। क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। वन मोर डेफिनेशन इज मोल फ्रैक्शंस, IMPA इस चैप्टर में मैक्सिमम यूज होगी हमको, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। क्लियर, जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शंस डिनोट करना है उसे आपको टॉप पे रखना है, सपोज मुझे सॉल्यूट का रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, एन बी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, एन से, और बी का मीनिंग क्या है सॉल्यूट। डन, देन क्या था हमारा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस।
क्लियर है। और नीचे क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे जो सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है, ठीक है। इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, एंड इट्स डिनोटेड बाय एक्स, क्लियर है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को कैसे डिनोट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे एक्स बी से निकालेंगे, कैसे डिनोट करेंगे हम एक्स बी से। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये एन बी, क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स। देन नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो एन ए प्लस एन बी, क्लियर। यहाँ पे मैं एक और बार क्लियर कर देता हूँ कि एन बी इजिकल टू क्या है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स है, क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है, आपको वो भी याद रखना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इजिकल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, क्लियर। आप किसके लिए निकाल रहे हो, ठीक है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर B के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, वेट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अगर A के लिए निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डन। चल देन अगेन आते हैं हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, उसे सॉल्व करते हैं, सबसे बेस्ट होगा पहले न्यूमेरिकल रीड कर लेते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल से आपके पास आ रहा है तो अंडरस्टूड कर लीजिए, आपको नहीं आता, आपको दो से तीन बार न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, जैसे उसने इस वर्ड यूज किया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, तो आपके माइंड में जनरेट होना है कि उसका फॉर्मूला क्या है, डन। ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2, इथिलीन ग्लाइकोल की क्वांटिटी है कितनी दे रखी है हमें, 20%, ठीक है। अब 20% की बात करिए, मींस इसे क्या कंसीडर कर लेंगे, 20 ग्राम्स, और टोटल सॉल्यूशंस कितना होगा, 100%, इट मींस 100 ml या 100 ग्राम। चलिए सॉल्व करते हैं हम कि क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हमारे पास पहले तो हम क्या है, अगेन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, तो मैंने आपको कहा था कि मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, किसका निकालना है, सॉल्यूट का डब्ल्यू बी, सॉरी एक्स बी निकाल दिया हमने, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्लियर। तो मुझे एन बी निकालना है, एन बी क्या होगा हमारे पास, एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। तो डब्ल्यू बी आपको क्या दे रखा है, बी के अंदर इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, क्लियर है, आपको ये गिवन है। इसका पहले तो आप वेट देख लीजिए कि डब्ल्यू बी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना दे रखा हम लोगों को, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 20 ग्राम्स, डन। देन इसके बाद एम बी निकालना है, एम बी कैसे निकालते हैं, हमने 11th क्लास में अंडरस्टूड किया था, एम बी के लिए हमारे पास जैसे कार्बन, ठीक है, तो कार्बन का वेट कितना है हमारे पास, 12, हाइड्रोजन का कितना है हमारे पास, 1, ऑक्सीजन का कितना है, 16, ठीक है। तो कैसे क्या निकालेंगे हम, 12 × 2 + 1 × 6 + 16 × 2, क्लियर, कैलकुलेट कर दीजिए, 24 + 6 + 32, देन प्लस करिए, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30 + 32, देन कितना हो जाएगा, 62 ग्राम्स, क्लियर। 62 ग्राम्स हमारे पास यहाँ पर एम बी आ चुका है, तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पर डब्ल्यू बी कितना हमारे पास गिवन था इसका, 20, देन कितना आया, 62, क्लियर। देन हमें एन ए भी निकालना होगा, तो एन ए इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला हमारे पास, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए। अब यहाँ पे देखिए आप पूरे क्वेश्चंस के अंदर वापस से आइए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 बाय मास। यहाँ पर आपको एन ए की बात कैसे करते हैं, सॉल्वेंट की नहीं करी है, तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज की बात में क्या होता है कि हमेशा हम 100% लेके चलते हैं, सॉल्यूशन 100% प्रेजेंट है, सॉल्यूट कितना है 20, तो 100 में से 20 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 80, इट मीन्स आपका जो डब्ल्यू ए है उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आपके पास, 80 हो जाएगी, क्लियर है। देन एम ए, अब यहाँ पे आपको बताया भी नहीं क्वेश्चन में कि सॉल्वेंट क्या है, तो जहां पे कुछ भी नहीं बताया है तो वहां पे आप वाटर कंसीडर कर लीजिए, वाटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, H2, इसका एम
ए कैसे निकालोगे? वाटर के लिए अभी हमने आपको फॉर्म बताया था, मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 2, बिकॉज 2 क्यों किया है यहाँ पे, 2 क्वांटिटी यूज की थी, प्लस ऑक्सीजन का कितना यूज किया हमने 16, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 + 2 = 18, देन 18 रख दीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट दोनों आ जाएगा, क्लियर। अब जो भी आपके पास यहाँ पे इन दोनों का आंसर आ रहा है, ठीक है, मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा हमारा वर्क, क्लियर। तो इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 0.322, देन हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 4.444, क्लियर। अब मोल फ्रैक्शंस का फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप मोल फ्रैक्शंस की, क्या हो जाएगा NB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.322 अपॉन, यहाँ पर NA की वैल्यू रखना है 4.444 प्लस देन NB अगेन 0.322, क्लियर। सोल्व करेंगे इसे हम तो हमारे पास आंसर होगा इसका टोटल 0.068, क्लियर। ये क्या आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन, क्या आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन है हमारे पास किसके लिए है, सोल्यूट के लिए, देन अगर आपको निकालना होगा कि सॉल्वेंट के लिए, अब एक के लिए तो निकाल दिया हम लोगों ने, अब सॉल्वेंट के लिए कैसे निकालेंगे, पूरी कैलकुलेशंस करेंगे? नहीं, पूरी कैलकुलेशन नहीं करना है हम लोगों ने, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक चीज लिखी थी A + B = solution, आप A और B का मीनिंग समझ ही गए होंगे, A का मीनिंग क्या था सॉल्वेंट, B का मीनिंग क्या था सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या था, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, इट मींस क्या था कि जब हम सॉल्वेंट और सोल्यूट को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा, इट मीन सोल्यूट है ना एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू, जब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1 होना चाहिए, देन इट मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA प्लस सोल्यूट XB इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1, देन इस फॉर्मूले की वजह से हम XA की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे XA की, देखिए क्या होगा XA = XA को इन्हें दीजिए, XB को उधर शिफ्ट करिए आप, नॉर्मली XB यहाँ पे प्लस में, उधर जाके क्या होगा माइनस में, 1 - XB, इसलिए तो 1 में से क्या करना है आपको, ये वैल्यू को माइनस कर देना है 0.068, अब जो भी आएगा वो आंसर आपको लिखना है यहाँ पर, डन, क्लियर, इजी है। कैसे करा एक और बार हम सॉल्व करते हैं, बिकॉज मैंने थोड़ा सा ज्यादा रफ कर दिया है, बिकॉज आपको समझाना था मुझे। फर्स्ट था कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास, क्लियर। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का आना चाहिए, मोल फ्रैक्शन XB = NB / NA + NB, देन अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइंड में सेटअप, सेकंड थिंग NB = WB / MB, देन WB ऑलरेडी गिवन 20 ग्राम्स, देन MB ऑलरेडी भी मेंशन हियर है ना 62 ग्राम्स, देन कैलकुलेट NB सॉल्ट 0.322, देन NA = WA / MA = 80/80, वी ऑलरेडी कैलकुलेट 80 बिकॉज 20%, क्लियर, 20% इज सोल्यूट, तो 80% इज सोलवेंट, बिकॉज टोटल सोल्यूशन इज 100% 100 ग्राम, तो 80 / वॉटर, बिकॉज यहाँ पे कोई भी सोल्यूट सोलवेंट आपको गिवन नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पे 80 नहीं लिया, डन, देन सोल्व किया 4.44, डन, देन हमने दोनों क्वांटिटी को फॉर्मूले में पुट किया, देन हमने आंसर निकाल लिया, देन यहाँ पर क्या हुआ कि सॉल्वेंट आपने सॉल्यूट निकाल लिया था, सॉल्वेंट निकालना था, सॉल्वेंट के लिए आपने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, अकॉर्डिंग फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डन, चल नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत काम किया हमारे पास, चल नेक्स्ट मोलेरिटी, नेक्स्ट मोस्ट आई एम पी, दो मिनट, मोलेरिटी और मोलेरिटी टू वर्ड्स वी हैव, नेक्स्ट डेफिनेशन इज मोलेरिटी, मोलेरिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन
1000 liter of solution it's present represented by capital N. Its formula is number of moles of solute upon total volume of solution in liter. But in laboratory we use milliliter words, so we translate in ml, sorry, liter in ml. Molarity WB into 1000 upon MB into VML. We already mentioned here WB is a weight of solute, MB is equal to molecular mass of solute, VML volume of solution in ml. Molarity is a function of temperature. Yaad rakhiyega ki molality and molarity. So molarity is depend on temperature, but molality is does not depend on temperature. We can solve some numerical problems. First is calculate the molarity of solution containing 5 gram of sodium hydroxide in 450 ml solution. Then, so we first write here capital M is equal to WB into 1000 upon MB VML. Its formula of molality, sorry, molarity. Then we write here given WB is sodium hydroxide NaOH is equal to 5 grams. Then we required MB. MB is so for sodium hydroxide 23 mass of sodium oxygen 16 1. Then it's calculated, then convert into 40. Then we put here all values. One more, VML. VML is a volume of solution given here for 50 ml. Put all values here. Capital M is equal to 5 grams 1000 upon MB 40 grams into VML 450. Clear? Then you solve it and write here answer. Okay, I am not calculate this values. Check. Next is calculate the molarity of each of the following solutions. Then again you solve this problem. I am not able to solve here. 30 gram of cobalt nitrate 0.6 H2O in 4.3 liter of solutions. Here हमारे पास जो solution है वो liter में given है. क्लियर है? तो इसको ml में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप नॉर्मली क्या करिए, 30 ग्राम दिया है तो WB कितना आ जाएगा हमारे पास 30 ग्राम. देन कोबाल्ट नाइट्रेट और 6H2 इस टोटल को आप क्या निकाल लीजिए, MB. MB पुट कर दीजिएगा. 1000 पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको क्या पुट करना है, VML की जगह पर डायरेक्ट 4.3 लीटर. देन आपका आंसर आ जाएगा एज इट इज. इसका भी आंसर आप एज इट इज निकाल सकते हैं. देन नेक्स्ट इज डेफिनेशन मोलिटी. ठीक, पहले हमने मोलेरिटी रीड करी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. अब नेक्स्ट इज मोलेलिटी. लेबोरेटरी में हम हमेशा मोलेलिटी वर्ड यूज करते हैं बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. पहले जो डेफिनेशन पड़ी थी उसमें क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्वड इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन. और यहां पर क्या था, यहां क्या है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की बात करी, वहां सॉल्यूशन था, यहां पे सॉल्वेंट की बात करी है. माइंड में सेटअप रखिएगा. मोलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज मोलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. अगेन NB नंबर ऑफ मोल्स is equal to WB upon MB. We already know that molarity formula is molality. Sorry, ये mistake है यहाँ पे. Molality is equal to WB into 1000 MB into WA. इसके पहले वाले जो formula में था, हम यहाँ पे देख सकते हैं formula क्या था वहाँ पे WB 1000 MB VMA. ठीक है, यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ VML की प्लेस पे, यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात थी इसलिए VML यूज किया था. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं. क्लियर है, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूले में हमने यहाँ पे क्या कर दिया है WA किया है. सॉरी, WA इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट. चलो डेफिनेशन क्लियर है, हम लोग कैलकुलेशंस देख लेते हैं क्या होगा. कैलकुलेट द मोलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. कैसे सोल्व करेंगे, हम इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं वापिस से. इस कैपिटल एम को हम स्मॉल एम कर देंगे, VML की प्लेस में हम क्या करेंगे WA. डन. देन हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि क्या क्या हमारे पास गिवन है.
ठीक है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि गिवन क्या क्या है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, ये लेस क्वांटिटी है, इट मीन्स डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2.5 ग्राम, देन इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है मैं CH3COOH, क्लियर। अब इसका भी आप क्या निकाल लीजिए, मोलर मास निकाल लीजिए, आपको सेल्फ कैलकुलेट करना है, मैं इस बार कैलकुलेट नहीं करूंगा। देन नेक्स्ट इज 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो यहाँ पर आपको जो WB पुट करना है, WB आपको गिवन है 75 ग्राम, बस इन तीनों वैल्यूज को आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। वेरी बोल सकते इजी क्वेश्चन से इस टाइप के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आते हैं। और लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, मोलेरिटी और लास्ट इज नॉर्मेलिटी, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, क्या है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशंस, ठीक है। डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, टॉप पर क्या रखेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसके भी फॉर्मूले को हम मोले रिटी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन GEMD, नॉर्मली कुछ कुछ बुक्स में आप इसको कुछ और वर्ड्स में भी लिखा हुआ देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज किया है, ग्राम इक्विवेलेंट मास था इसलिए GEMD यूज किया हमने, VMA, GEMD आपको मोलर मास ही लिखना है, कोई और नया आपको फॉर्मूला क्रिएट नहीं करना। जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का MB निकाला था 40, तो यहाँ पर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज होगा तो आपको 40 ही लिखना है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे लिए जो ईजी हो जाएगा, WB क्या है हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट, GEMD is equal to molar mass of solute, VML is equal to volume of solution in liter. चलिए क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला फर्स्ट क्लियर करते हैं कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है। अगेन फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस, ये पूरा फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा चारों पांचों डेफिनेशन में। अगेन क्या आ जाए, VML की बात करेंगे यहाँ पर, और यहाँ क्या कर देंगे हम L, और MB की प्लेस पे अब क्या लिखा हमने GEMD, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। गिवन अगेन गिवन में हमारे पास क्या क्या है, WB निकालना है, WB आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन में कितना गिवन है हमारे पास 40 ग्राम, क्या है 40 ग्राम, देन हमें GEMB निकालना है, ठीक है। इसके लिए निकालना है हमें GEMB सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देन वी ऑलरेडी नो कितना होगा 40, डन। देन VML हमें गिवन है यहाँ पर कितना है 500 ml, क्लियर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगी W 40 इंटू 1000, देन GEMB कितना दे रखा है NaOH 40 इंटू VML इज 500, इसे सोल हाथ हाथ कर भी देते हैं हम, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 500 वन टाइम्स टू टाइम्स, तो आंसर इज 2। तो इसकी नॉर्मलिटी, सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कितनी आएगी 2 होगी, दैट्स ऑल। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस ऑन सॉल्युबिलिटी एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।